इटखोरी प्रखंड के महुदा गांव निवासी बाबूलाल दांगी की पुत्री निशा वर्मा ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित 2022 की मैट्रिक परीक्षा में 98% अंक लाकर झारखंड टॉपर बनी। गरीब परिवार की छात्रा ने मैट्रिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर इटखोरी ही नहीं बल्कि पूरे चतरा जिले को गौरवान्वित किया है। निशा वर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं विद्यालय के शिक्षकों को दिया। बताते चले कि निशा वर्मा हजारीबाग अवस्थित इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा है। बातचीत के क्रम में निशा ने बताया कि आगे चलकर IIT करना चाहती है। पूरा परिवार निशा की इस सफलता पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे संवाददाता ने निशा से बातचीत की और बातचीत के क्रम में निशा ने बताया कि मैंने कड़ी मेहनत की परंतु मुझे सफलता की उम्मीद तो थी लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं झारखंड टॉपर बनूंगी। निशा के यहाँ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। निशा से बातचीत की क्रम में निशा ने अन्य छात्रों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कहा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मेहनत यदि किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। इटखोरी से अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। गरीब परिवार की बच्ची झारखंड टॉप की है और 490 अंक ला करके झारखंड में टॉप होने का गौरव इसने प्राप्त किया है और मैं मतलब बच्चे को तहे दिल से आशीर्वाद बातें करूंगा और आइए हम मुखातिब होते हैं इस छात्रा से जिसने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपका नाम? आप किस हाई स्कूल से परीक्षा दिए थे? हजारीबाग से। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपनी माता पिता और स्कूल के सारे बच्चों से। आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? अब मैं जरा बालिका के इस मेधावी छात्रा के पिता से मैं बात करना चाहता हूँ। आइए उनसे मैं काफ़ी बता हूँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी आपके सपनों को साकार करेगी? बिल्कुल करेगा, मैं विश्वास से पूरा विश्वास शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा। इनके अंदर एक आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास से लवरेज होकर के ये बोल रहे हैं और यह गर्व की बात है कि इस ग्रामीण क्षेत्र से यह बच्ची जो है अपनी मेधा का परचम लहराई है। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की यह छात्रा पूरे झारखंड में टॉप करने का गौरव प्राप्त की है और विशेष रूप से इटखोरी क्षेत्र के लिए यह बड़े गर्व की बात है। आप छात्रों के लिए जो भविष्य में छात्र परीक्षार्थी होंगे उनके लिए कुछ करना चाहेंगे? आप जो चाहते हैं जरूर। यहाँ लड़की की माँ और दादी भी उपस्थित हैं, मैं दोनों से मुखातिब होता हूँ। आप माँ हैं, आपका नाम? आपने एक मेधावी छात्रा को जन्म दिया है, आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा।